कैसे आप सब लोग, होप यू आर सो गुड। सो काफ़ी डेज से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, इस चीज़ को मैंने खुद नोटिस करा। एक तो एग्जाम्स भी चल रहे हैं, दैट्स व्हाई नहीं आ रहे। ओके। और मैंने भी एक रील्स बनाई थी, तो मैंने ये मेकअप लुक लिया था। देखिए धराएं काट रही हो ओम फो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार यूट्यूब को भी देख लिया जाए अब। और काफ़ी डेज से मैं रील्स भी नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा रील भी बनाते हैं आज, यूट्यूब वालों को भी देखते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स का भी हालचाल पूछते हैं। सो कैसे हो आप सब लोग, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और होम टूर की वीडियो आज चलो क्रिएट कर ही लेते हैं, आज 10 तारीख और मैंने कहा था। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलते हैं मेरे घर का एक टूर लेने के लिए। आज नीचे मेरा कैमरामैन ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो चीज़ें आपको इन्फॉर्म करती जाऊँगी। कैमरा ये पकड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना भी ज़रूर कि मेरा आपको स्मोकी आई मेकअप कैसा लग रहा है। जल्दी से शूट करने वाले मैं अपना फेस वॉश कर दूँगी, ज़्यादा देर तक मेकअप नहीं रखूँगी। और ये देखो मेरी येलो कलर की नेल पेंट। सो नीचे चलते हैं, आ जाओ। आया। सो गाइस दिस इज़ आर मेन गेट, ये हमारा मेन गेट है। और वो दादाजी का लोगो है जिसमें कि उन्होंने अपने बारे में लिख रखा है। और ये फ्लावर पॉट्स हैं, आप ये देख सकते हो। और ये है मेरा पूरा 2 मंजिल का घर। ये बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। और ये इसकी मस्तियाँ देखो, बहुत मुश्किल से आया रिश्वत लेके तब ये आया है यहाँ पर। तो अब अंदर शूट करने चलते हैं, आ जाओ। सो ये है दादाजी का रूम, वो है वॉशरूम जो मेन गेट के बिल्कुल बगल से है। तो ये है मेरे दादाजी का रूम। ये क्रिएटिविटी, और ये कोई करता नहीं है लेकिन हुक्का है। और ये मेरी परदादी जी हैं जो अभी आपकी लास्ट 2019 में इनकी डेथ हुई है। दादा दादी हैं ये, और परदादी जी के हस्बैंड ये हैं। ये तो मेरे दादाजी की ड्रॉर है, ये उनकी टीवी है, और ये वो वकील वगैरह हैं तो उनकी फाइल्स वगैरह हैं। ये उनका पोर्शन है, यहाँ पे उनकी मेल फाइल्स वगैरह रखी रहती हैं। और ये पता नहीं कौन है। और ये इनका बेडरूम है, आप पूरा व्यू देख सकते हो। ओके। सो ये हमारी गैलरी का पोर्शन है, यहाँ से लेकर पूरा हमारा यहाँ तक भर जाता है गाड़ियों से, कुछ गाड़ियाँ बाहर हैं। तो और अंदर चलते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ स्टोर रूम, लाइट्स ऑन करना जाकर। तो कुछ टाइम के लिए भैया यहाँ पर थे, बड़े भैया, तो वो यहाँ पर अपना ऑफिस वर्क कर रहे थे। मंदिर है, और ये मंदिर है, मतलब हाँ ये स्टोर रूम ही है, नॉट अ मंदिर। यहाँ ये दादी जी के सामान रखे रहते हैं। ये हमारी गुफा, इसके अंदर पता नहीं क्या है, यही सामान से रखे हुए हैं। और ये वही कमरा है दादाजी का, इसमें 2 गेट हैं। यहाँ मंदिर में पूजा करते हैं दादाजी, और भाई कल ही दिल्ली गए हैं, तो यहाँ उनका पूरा सिस्टम रखा हुआ था ऑफिस का। ओ हेलो, इनविजिबल सिस्टम है क्या तुम्हारा? चलिए अब और अंदर चलते हैं। दिस इज़ अ वाईफाई, और समर का वो, और ये गणेश जी की मूर्ति। ओ हाँ, शीशा टूट जाएगा। वो बाथरूम है, और ये काजल दीदी का पोर्शन है। हाँ वैसे भी साल में एक बार नहाता है तू तो। और ये काजल दीदी का पोर्शन है, वहाँ पर किचन में दादी जी वर्क कर रही हैं, और वो सामने रूम है। तो हम ऊपर चलते हैं, मेरा पोर्शन ऊपर है, आ जाओ। तो गाइस ये है दादी का रूम, ये उनका मंदिर है, वेट में मैडम कर देती हूँ। ये उनका मंदिर है, और ये सारे गोल्ड के आपको वहाँ पे फोटो फ्रेम दिख जाएंगे, इतना भी ज़्यादा मत रोटेट करते हैं उनको। दिस इज़ अ फिश पॉट, 3 ही फिशेज बची हैं, और इस टाइम ताई जी वगैरह लोग हैं नहीं है, वो लोग गई हुई हैं। सो ये उन लोगों की किचन है, दिस इज हर्ट्स किचन। ये है भाभी का रूम,
ठीक है, जिसके जिसमें मैं आरोह के साथ सोती हूँ। रील तो ये रील रील ये पड़े हैं सामान। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं यार, दिस इज माय मेकअप का सामान जो मैंने बिखरा था, और रील्स बनाती हूँ वो जगह वो रही, वहां दिखाओ। ये लाइट है, इसके नीचे बैठ के मैं रील्स बनाती हूँ। वेट, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। यहाँ ऐसे, ओके। सो नेक्स्ट, वो टीवी चालू रखी है, बंद हो गई। कभी कभार अगर मुझे ऐसे थोड़ा क्लब टाइप का मूड चाहिए होता है और एक साथ मस्ती करने के लिए, तो हम इन लाइट साथ जिगजैग करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ या। और ये है फोटो फ्रेम्स, तो मैं आपको पास कभी दिखाती हूँ। सो शी इज आरोही माय एंजल। और भैया एंड भाभी, ये इनका वैष्णो देवी का फोटो है। शी इज सॉरी ही इज अक्षत, कोमल दी का लड़का। ये भैया भाभी एंड आरोही, ये मतलब इनकी फोटोज। जो सबसे ऊपर इनकी शादी की फोटो है वो मेरी बेस्ट पिक है इनके इनकी। तो ये तो इनका वैष्णो देवी का लुक है व्यू। और इसमें ये पूरी फैमिली है, ताई जी, ताऊ जी, भैया भाभी, और ये है दी एंड जीजू, और ये पूरी फैमिली। और ये टैटू जो ढका हुआ है, यहाँ मैं अक्सर मस्ती करती हूँ और मैं स्टडी कर रही थी बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके सो चलते हैं अब मेरे रूम में, आइए। सो दिस इज अ बाथरूम जहाँ मैं नहाने के लिए आती हूँ। यहाँ हम लोग नहाते हैं, ये जहाँ हम लोग ब्रश करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। ओके सो या ये हमारा डाइनिंग टेबल जहाँ पर हम लोग खाना कम और पढ़ते ज़्यादा हैं। इसको देखो, यह है मेरा मंदिर जहाँ मैं पूजा करती हूँ, और सबसे साफ जगह। ये मेरे कपड़े जो भूसे की तरह भरे हुए हैं। दिस इज़ माई स्टडी ड्रॉअर। और ये देखिए जो मेरे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, इनको सेट में करती हूँ बट ख़राब हो जाते हैं। दिस इज़ अ फ्रिज, इनकी लड़ाइयाँ। और दिस इज़ प्राची'स ड्रॉल। ओके एंड ये है मेरा कमरा, आ जाओ। ये हमारे कुछ फोटोज़ हैं जो मैं पास से दिखाऊँ, आ जाओ। ये है प्राची, वीर, बहुत मासूम लग रहा था वो, मैं हूँ। और ऊपर ऊपर का मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, तो ये मैं हूँ, वो हमारी फैमिली, ये वीर और ये है प्राची। अंदर चलते हैं। सो दिस इज अ डोर, बेसिकली दो डोर हैं हमारे भी, ये किचन के लिए है और ये रूम के लिए है। और ये इसका फ्रेम जो देख लो, क्राफ्ट है, ये इसने क्राफ्ट बनाया था, देख सकते हो आप। जो कि इसने कहा कि मैडम ने क्या बोला है, नहीं मैम ने क्या बोला है, बहुत अच्छा बना था ये, नहीं था तो मैम ने फुल ले लिया, ये तो मैंने बनाया है। ठीक है अब रूम में आते हैं। सो बेसिकली दिस इज माय किचन, ये मेरी किचन है, और ये ऐसे दिन भर उदम करता है। दिस इज अ कप जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट करा था, फ्रेंड फॉर एवर। अरे ये देख सकते हो, और दिस इज रूम, टीवी चल रही है, सामने वॉच वगैरह। आओ ये मेरी फोटो है, ये मैं और प्राची। ये हमारे ये कुछ पौधे, मेरे पापा दादा और ताऊ जी को बहुत शौक है पौधों का। और ये हमारा बाहर का पोर्शन है, चलते हैं। ये खटिया है जिसमें प्राची सोती है,
ये मिरर है जहाँ पे मैं ब्रश करती हूँ, ये हमारे ब्रशेस, यहाँ रख के मैं शूट करती हूँ अपना कुछ भी बाहर का। ये है कूलर, वॉशिंग मशीन, वॉशरूम और ये पेड़। अब चलते हैं ऊपर पोर्शन पर। ये आप पौधे देखिए, मतलब बहुत शौक है मेरी फैमिली को। ये पता नहीं पेड़ कौन सा है। सुपर के पोर्शन में हम लोग आते हैं तो बेसिकली यहाँ हमारा लिटिल बिट घर गृहस्थी ही है दादी जी लोगों की। ये वॉशिंग मशीन है भाभी की और ये ड्रम है जिसका हम यूज़ करते हैं ताड़ में चढ़ भरने के लिए या फिर वाटर भरने के लिए जब कुछ फंक्शन टाइप होता है। और ये फर्राटा है। इस रूम में लॉक लगाए बिकॉज ताई जी लोग हैं नहीं है, वैसे तो अक्सर मैं इसी रूम में रहती हूँ पढ़ने जब मैं आती हूँ, मुझे सुकून से मिलता है इस रूम के अंदर। लॉक इसलिए लगा क्योंकि ताई जी हैं नहीं है और हम लोग ऊपर तो आते हैं नहीं है, और बिल्ली इतना घूमती है ना फिर वो पॉटी वॉटी करती है, दैट्स वाई। बाकी ये कूलर इस रूम का, और ये, और ये छत, ये एसी का डिब्बा, और ये छत है पूरी, और आप धूप देख सकते हो, बहुत धूप है। इससे भी और ऊपर है, इससे और ऊपर आपकी ये छत है, टॉप छत हमारी, तो इसमें भी चल ही देते हैं, अब धूप में तो आ ही गए हैं, तो आ जाओ। सो यस, दिस इज माय टॉप छत। ये हमारी टंकी है और छत से आप व्यू देख सकते हो चारों तरफ का। शंकर ग्रीन्स, ये जो घर बन रहा है बढ़िया सा, अभी भी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये जो मैं घर से दिखा रही थी लाइट्स ऑन करता है बढ़िया बढ़िया, वो ये था। और वो है आपका सागा एम्पोरियम, जहाँ से मेट्रो अब जा रही है, यहाँ इसके सामने जैसे मेट्रो निकलेगी वो रेड बिल्डिंग आपको सागा एम्पोरियम है। आप पूरा व्यू देखिए, मतलब अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर है। वो होटल सरोवर है आपका, ओके ओके, मतलब हाँ मैं खुश होगी, मतलब बहुत अच्छे एरिया में मेरा घर है और मुझे अच्छा लगता है। आप धूप देख सकते हैं, मेरी आँखें ही नहीं खुल रही हैं, मेरे आंसू से निकल आए अब तो मैं चलती हूँ नीचे। सो या यही था मेरा होम टूर। आई नो कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करा क्योंकि यार एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और इतना ही कर पाई थी मैं शूट, और बाकी की धूप आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ इन टॉप छत। सो या फिर से उठ चला, ओके तो वेट एक मिनट में अपना पोत देख लूँ ज़रा। लिटरली आंसू देख सकते हो आप कैसे आए हैं। सो या यही था मेरा छोटा सा घर, होप आपको मेरा होम टूर अच्छा लगा होगा। और अभी तो फैमिलीज है नहीं है क्योंकि गए हुए हैं वो लोग थोड़ा कानपुर, ताई जी वगैरह लोग, तो इसलिए जब पूरी फैमिली होती है ना तब बहुत मज़ा आता है, तब इतनी मस्ती मजाक वगैरह होते हैं। तो या यही था, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट, क्या ये? नो। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप वंस अगेन होप कि आपको मेरा पसंद आया होगा ब्लॉग। सो बाय, हैव अ नाइस डे, और वेट फॉर नेक्स्ट ब्लॉग बिकॉज आपको थोड़ा वेट इन दिनों करना पड़ेगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैं बेसिकली नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि पूरे साल तो स्टडी की ही नहीं और अब एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं तो नहीं हो पा रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।